नमस्कार, ये मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ है। आज 25 जून शुक्रवार का दिन है। अब नजर डालते हैं बीते 24 घंटे की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर 8 दलों के 14 नेताओं के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर चली इस बैठक में मोदी ने संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद जल्द विधानसभा चुनाव होंगे और नेता इस प्रक्रिया में शामिल हों। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। प्रधानमंत्री की कश्मीरी नेताओं के साथ मीटिंग पर ममता ने कहा कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाना कश्मीरियों की आज़ादी छीनने जैसा है, इससे देश की बदनामी हुई है। रिलायंस जियो और गूगल की साझेदारी में बना नया स्मार्टफोन जियोफोन नेक्स्ट गुरुवार को लॉन्च हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं सालाना आम सभा में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इसकी घोषणा की। नया स्मार्टफोन जियो और गूगल के फीचर्स के साथ ही एप्स से लैस होगा। 10 सितंबर यानी गणेश चतुर्थी से इसकी बिक्री शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग के साथ मारपीट और दाढ़ी काटने के वायरल वीडियो मामले में ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गाजियाबाद पुलिस को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी पर किसी भी प्रकार का कठोर कदम न उठाएं। उन्होंने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी पेश कर दी। कोर्ट ने इसी अर्जी पर उन्हें अंतरिम राहत दी है। अयोध्या में जमीन घोटाले के आरोपों के बाद आरएसएस और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की गुरुवार को मुंबई में एक इमरजेंसी बैठक हुई। इसमें ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देव गिरिजी महाराज और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र शामिल हुए हैं। संघ की तरफ से भी भैयाजी जोशी समेत कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। ये बैठक करीब 2 घंटे से ज्यादा चली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को राज्य बोर्डों की 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिया कि वो 31 जुलाई तक 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित करें। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 10 दिन में इंटरनल असेसमेंट स्कीम तैयार करने के लिए भी कहा है। 29 जनवरी को इसराइल दूतावास के बाहर हुए विस्फोट के सिलसिले में दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 4 छात्रों को गिरफ्तार किया है। ये सभी छात्र कश्मीर के करगिल के रहने वाले हैं और दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मामले में स्पेशल सेल द्वारा साजिश रचने के मामले में अलग से FIR की थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में बयान दर्ज करवाने सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचे। सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ ये केस किया था। मामला 2019 में चुनाव से पहले राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा है। राहुल ने एक जनसभा में कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी चोरों का कॉमन सरनेम मोदी कैसे है। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से परेशान दुनिया भर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। वैज्ञानिकों ने ऐसी वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है जो न सिर्फ कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करती है। उम्मीद है कि अगले साल तक इंसानों पर इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। अमेरिका की लॉस एंजलिस कोर्ट में शुक्रवार को 2008 में 26/11 मुंबई हमले के मुख्य आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई होनी है। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई बिजनेसमैन है। आतंकवादी हमले में भूमिका होने के चलते पिछले साल उसे गिरफ्तार किया गया था। भारत पहले ही उसे भगोड़ा घोषित कर चुका है। अब आज के मौसम का मिजाज जान लीजिए। मुंबई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा और बादल के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। भोपाल में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा और यहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, यहां भी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा और यहां गरज चमक के साथ कुछ बौछारें गिर सकती हैं। पटना में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा और बादल, आंधी, तूफान और हल्की बारिश होने के आसार हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा और बादल छाए रहेंगे। शिमला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहेगा और आंधी तूफान के आसार हैं। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 39 डिग्री रहेगा और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहेगा और तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। जयपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहेगा और यहां भी बादल छाए रहेंगे। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहेगा और बादल छाए रहेंगे। जाते जाते वो खबरें जो बनेंगी आज सुर्खियां। इन्फोसिस की 9200 करोड़ तक की बायबैक स्कीम शुरू होगी। आईटी कंपनी ने 1750 रुपए प्रति शेयर तक खरीद का प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सोशल मीडिया के जरिए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में छात्रों से बात करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा कर यहां बन रहे स्वदेशी विमान वाहक IAC के काम की समीक्षा करेंगे। आज की ब्रीफ के लिए खबरें लिखी विनेश दीक्षित ने, एडिट किया नीरज रावत ने और इन्हें आवाज दी मैंने यानी शिवम ने। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।